हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और मैं आप सभी के लिए ऑटोमोटिव वीडियो लेके आता रहता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला ओकिनावा के लेटेस्ट स्कूटर के बारे में। तो फ्रेंड, हाल ही में ओकिनावा ब्रांड ने अपने एक टीजर टीज किया था जिसके अंदर हमें ओकिनावा का क्रूजर रिलेटेड स्कूटर टीज किया था, बट फ्रेंड्स उसकी डिटेल्स है वो लीकआउट नहीं हुई थी। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला उसके कम्प्लीटली डिटेल्स के बारे में, क्योंकि जो उसकी पूरी डिटेल्स है वो अपने लॉन्च डेट से पहले लीकआउट हो गई है कि इसके अंदर में क्या टॉप स्पीड देखने को मिलेगी, क्या ड्राइवरेंस देखने को मिलेगा, और मैं जो काफ़ी सारी डिटेल्स है वो अपने ऑटो एक्सपो 2020 के लॉन्च होने से पहले ही लीकआउट हो गई जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं ओकिनावा लेटेस्ट स्कूटर के ड्राइव रेंज के बारे में। तो फ्रेंड, जो ओकिनावा का जो क्रूज इलेक्ट्रिक स्कूटर है फ्रेंड, वो हमें 120 किलोमीटर की ड्राइव रेंज के साथ देखने को मिलेगा। मतलब फ्रेंड, अगर आप इस स्कूटर को एक बार चार्ज करते हो तो फ्रेंड आपको 120 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप ले जा सकता है। और फ्रेंड, अगर हम इसके चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो फ्रेंड, जो स्कूटर है वो हमें 2 से 3 आवर में फुल चार्ज हो जाएगा। मतलब इतना फास्ट चार्जिंग जो ऑप्शन है अभी तक आपको कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जितने भी स्कूटर है, बजाज का, टीवीएस का, इधर का, सारे स्कूटर्स इन शॉर्ट 4 to 5 आवर चार्जिंग टाइम लेते हैं, बट फर्स्ट टाइम ये स्कूटर हमें 2 से 3 आवर में ही फुल चार्जिंग टाइम के साथ देखने को मिलता है। और फिर अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी टॉप स्पीड के बारे में। तो फिर जो स्कूटर है वो 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ देखने को मिलेगा। और फिर अब मैं बात करने वाला हूँ ओकिनावा के क्रूजर इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्टाइलिंग के बारे में। तो फ्रेंड, स्कूटर के अंदर हमें मैक्सी स्कूटर स्टाइलिंग के साथ स्मूथ फ्लोइंग डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें लार्ज विंड स्क्रीन, इजी टू रीच हैंडल बार, रूमी सीट और लॉन्ग टेल सेक्शन जो है वो हमें स्कूटर के अंदर देखने को मिलेगा। और जो ओकिनावा क्रूजर इलेक्ट्रिक स्कूटर है फ्रेंड, इसके अंदर हमें फुल LED लाइटिंग के साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। और फिलहाल तो स्कूटर के बारे में जो ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स है वो लीकआउट हो गई है, मतलब जो इसकी स्टाइलिंग है उसके कुछ डिटेल्स जो है वो लीकआउट नहीं हुए कि इसके अंदर कौन सी मोटर देखने को मिलेगी। बट फ्रेंड, इसकी ड्राइव रेंज जो टॉप स्पीड है वो लीकआउट हो गई थी जो मैंने आपका शेयर की। फ्रेंड, और भी अगर आपको हमारे इसी तरह से न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने हो तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की हर नए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।